change the statistics of the country. That is my best wishes to you. Thank you so much for having me here. I've enjoyed the afternoon. I've enjoyed the performances and the speeches. Thank you so much. It's been a wonderful afternoon. Thank you for the wonderful. Thank you. Once you hold on, ma'am. फोटो मिला ओके मैम थैंक यू आपके बदन में ऊपर नीचे क्या हो रहा है मतलब आप एक साल में शुगर होने वाला है आप डायबिटिक होने वाले आपके बॉडी में टू मच फैट है शायद आपको दो तीन साल में अगर आपने कुछ ठीक नहीं किया तो शायद ये कैंसर हो जाए या ये बीमारी हो जाए या हाई ब्लड प्रेशर हो जाए या हार्ट डिजीज हो जाए एक घूम घूम से इस मशीन से आपका फ्यूचर टेस्ट कर सकते हैं मतलब तो पहले से ही आपको इस तरह से सुरक्षित कर देंगे ठीक ठाक करके कि आपको वो बीमारी लगेगी ही नहीं एक होता है पहले स्टेज में पकड़ना और उसको ठीक करना एक ये जो टेक्नोलॉजी है ये पकड़ेगी जब आपको हुआ भी नहीं है कितनी कमाल की बात है क्योंकि अभी डॉक्टर बता रहे थे कि दो आदमियों से एक आदमी में जरूर कैंसर होने वाला लाइफ टाइम में आपको ये पता था स्टैटिस्टिक्स मुझे भी नहीं पता था और तीन में से एक औरत को इंडिया इज कैंसर कैपिटल सो ये जो मशीन है ये उस चीज को जो हमारा स्टैटिस्टिक्स से इतना गड़बड़ हो गया है उसको पहले ही हमारे लोगों को बचा लेगी जैसे कोविड वैक्सीन है ना वो हमें पहले ही कोविड ही नहीं होने दिया तो ऐसे ये आपके बदन का एक बूंद खून लेगी और पता कर लेगी कि आपको आगे चल के एक दो तीन चार पाँच से पाँच साल में कौन सी बीमारी होने का चांस है और उसको होते होते बचा लेगी हार्ट डिजीज है तो आपको क्या करना है कसरत करनी है जल्दी सोना है मतलब जो भी लाइफस्टाइल चेंजेस हो या कोई भी दवाई लेनी हो तो आप बच जाओगे का जो आज ये पूरा इवेंट है जनता जानना चाहती है क्या है ये एग्जैक्टली और इससे कितना कुछ फायदा होगा कैंसर ट्रीटमेंट के लिए सो प्लीज गो अहेड एंड जस्ट स्टार्ट सर सर यस इन इंग्लिश ओके या इंग्लिश नहीं सो लुकिंग एट ऑल द जीन्स वाज पॉसिबल यूजिंग जीनोमिक्स बट नाउ वी आर लुकिंग एट द फंक्शनल मॉलिक्यूल्स प्रोटीन इन द फील्ड प्रोटियोमिक्स
हमारे जो जीन्स हैं वो हमको खाली एक स्टैटिक पॉइंट बता पाते हैं कि क्या क्या ब्लूप्रिंट है लाइफ का, लेकिन जो डायनेमिक चेंज होते हैं बॉडी में वो प्रोटीन्स के द्वारा ही हमको पता चल पाता है। कैसे ये प्रोटीन जो है वो कैंसर पेशेंट्स में अलग होते हैं, किस तरीके से इनको हम जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएँ और किस तरीके से इन प्रोटीन्स को हम टारगेट करें टू क्योर द डिजीज, सो न्यू टेक्नोलॉजीज आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरी सेंसिटिव दिस काइंड ऑफ प्रोटीन। और उसके लिए हम जो है ये 4D प्रोटियोमिक्स टेक्नोलॉजी विच इज कम्स फ्रॉम ब्रूकर वी हैव लॉन्च इन आवर स्टार्टअप कंपनी हियर एट IIT बॉम्बे एंड साइन प्रोटियोमिका इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। इसका गोल होगा कि जो है किस तरीके से हम मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, जो तमाम जो वीमेन की हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चों की न्यूनेटल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें कैसे इन टेक्नोलॉजीज को यूज़ करें और कैंसर ट्रीटमेंट के लिए किस तरीके से हम नए टारगेट्स खोजें, किस तरीके से नए जो है हम टेस्ट डेवलप करें। और इसमें तमाम जो है साइंटिस्ट, तमाम क्लिनिशियंस और इंडस्ट्री एक्सपर्ट सबकी ज़रूरत है। बट वी आर वेरी प्राउड कि जो है हम इंडिया में ये टेक्नोलॉजी पहली बार ले आए हैं 4D-omics, जो कि एक नया डायमेंशन ऐड करेगी द वे वी कैन लुक एट अ प्रोटीन। पहले हम प्रोटीन्स को उनके लिमिटेड इन्फॉर्मेशन पर देख पाते थे, अब हम उनका स्पेशियल व्यू विद द 4D विद आयन मोबिलिटी वी कैन सी दैट। सो दिस गोइंग टू बी वेरी नॉवेल एंड फर्स्ट टेक्नोलॉजी इन इंडिया एंड इट्स गोइंग टू मेक अस वेरी कम्पिटिटिव विद द डेटा विच इज अवेलेबल इन द USA एंड Caucasian अदर पॉपुलेशन। अभी भी इंडिया सेंट्रिक डेटा बहुत लिमिटेड है, तो हमको तमाम जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं टाटा मेमोरियल और KEM जिससे हमारा कोलोब्रेशन है, उन पेशेंट्स को जब हम स्टार्ट करेंगे देखना है नई टेक्नोलॉजी से, तो हमको नए इंसाइट्स मिलेंगे, नए इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो हमको वो सेम जो ट्रीटमेंट था जो USA में फॉर द Caucasian पेशेंट वो हमको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, वी हैव टू लुक फॉर आवर ओन पॉपुलेशन एंड स्पेसिफिक टेस्ट डेवलप फॉर दैट। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल दैट यू नो डॉक्टर बलराम भार्गव वन ऑफ द stalwart of you know our science and research field and Mahima ji one of the stalwart of the creative world they're all together here along with my co-founder Dr. Arghya Banerjee. He is the inspiration to the youth generation ek is tarike se india mein ruk karke apni technology develop kare aur apna jo hai khud naye naye employments khud ko employ kare aur logo ko employment de right kyunki otherwise inke paas bahut se foreign jane ke offer aa rahe the लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि ही विल स्टे हियर एंड मेक दिस कंपनी परदेश के ऑफर आ रहे थे आपने नाम डुबा दिया हमने तो परदेश में किया था परदेश से स्वदेश के लिए जो है आगमन किया एंड ही इज क्रिएटिंग रोल मॉडल फॉर मेनी पीपल की किस तरीके से जो हम इंडिया में जो लोगों को ट्रेन कर रहे हैं वो सीधा ब्रेन ड्रेन होता है किस तरीके से हम उनका ब्रेन गेन कर पाए दिस इज अ गुड एग्जांपल एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू टू कम हियर एंड हमारे साथ ये जो बिग ओकेजन था बिग मोमेंट था इसको आपने सेलिब्रेट किया हमारे साथ थैंक यू वेरी मच। मैं इसको सिंपल वर्ड में अगर बताऊं आम आदमी की वर्ड में इन्होंने अभी डॉक्टर के लैंग्वेज में साइंटिस्ट के लैंग्वेज में बोला अभी हम लोग क्या है ब्लड टेस्ट कराते हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता होगा सोनोग्राफी जो अंदर की तस्वीर लेते हैं एक्सरे लेते हैं उससे पता चलता है हमारे अंदर क्या हो रहा है और फिर हमें ट्रीटमेंट मिलता है डॉक्टर से। ये इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी खास है वो 4-5 साल पहले बता देगी कि आपको आगे जाके ये होने वाला है। हमें तस्वीर लेने की जरूरत नहीं है, ब्लड टेस्ट उस तरह का नहीं होगा, वो बता देगा कि 4 साल बाद आपको ये बीमारी होने वाली है। कमाल का ना, मतलब हमें पहले से ही वो सारे आर्मर्स मिल जाएंगे कि आगे जाके हमें वो डिजीज ही नहीं हो। तो एक तरह से हमें कभी कोई डिजीज होगी ही नहीं, हम ये टेस्ट करा लेंगे पहले ही, तो उसके आने से पहले ही हम लोग ताले से बंद कर लेंगे खुद को। तो ये दिस इज द सिंपल थिंग। और आइडिया ये भी कि अगर जैसे मान लीजिए कोई हेल्दी है नॉर्मल है उसका ब्लड लीजिए और उससे तमाम प्रोफाइल करिए और ओवर द टाइम अगर आप उसको चेक करते रहिए 6 महीने साल पे तमाम प्रोटीन और मेटाबोलाइट चेंज हम डिजीज होने से पहले ही पकड़ लें। सो रेदर देन की ट्रीटिंग पीपल can we control the disease beforehand and switch back to normal? Yeah, that will be the power of these omics and wellness technologies. So that's what we are aiming for. Aapka diabetes, aapka heart related issues, aapka blood pressure, sab kuch hum log routinely monitor kar sakte hain aapke clinical samples ke through aur hum aapko ye bata sakte hain aapko kya cheez pe control karna chahiye, kya cheez ko rokna chahiye taki aap usko reverse kar paye. You don't have to take any medicines from outside. You can reverse everything which is going something dysregulated in your body. ये 4D-omics की जो प्रयोगशाला है ये भारतवर्ष की सबसे पहली प्रयोगशाला है और उससे मैं डॉक्टर संजीवा को बहुत बधाई दूंगा, मैं IIT को बधाई दूंगा और मैं भारतवर्ष को बधाई दूंगा कि ये टेक्नोलॉजी यहाँ आई है और इससे हम लोग प्रिवेंटिव एहतियात करके बीमारी से प्रिवेंट कर सकते हैं। ये एक बहुत
अच्छी उपलब्धि होगी भारतवर्ष के लिए। एक लास्ट में पूछना चाहूंगा, हॉस्पिटल्स में या उस तरह से कब ये अवेलेबल हो पाएगी, कुछ साल लगेगी, चीज की बात है, उस बारे में अगर कुछ बता। राइट, तो अभी ये मीटिंग जो है इसमें तमाम डॉक्टर्स, जैसे आपने देखा तमाम बड़े बड़े सेंटर्स के डॉक्टर्स हैं, आइडिया यही है कि उनके साथ मिल करके उनके जो रेगुलर क्लिनिकल टेस्ट हैं, जीनोमिक टेस्ट हैं, उसके साथ कैसे हम इन्फॉर्मेशन फंक्शनल मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन और मेटाबोलाइट के ऐड करके रोबस्ट अहेड ऑफ टाइम, कैन वी थिंक अबाउट अहेड ऑफ टाइम, और वो टेस्ट डेवलप करें इसमें कि जो है पहले ही जानकारी मिल जाए और चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। इसके लिए डेफिनेटली यू नो वी नीड गुड कोलैबोरेशन, वी नीड गुड सिनर्जी ऑफ डिफरेंट ब्रेन स्ट्रीम फ्रॉम पीपल, फ्रॉम क्लिनिशियंस, इंडस्ट्री, एकेडेमिया, और उसमें IIT बॉम्बे आई थिंक यू नो एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें कि सभी का जो है सिनर्जी, सभी का अमलगमेशन होता है। And that's what this event is about. है already हमारे पास, so for any test actually we always go through lot of you know regulatory which we follow, और उसके बाद ही हम जो है कोई भी टेस्ट करते हैं, लेकिन तमाम एक्सपेरिमेंट्स करने से पहले हम तमाम रेगुलेशन लेते हैं, एंड मेनी थिंग्स आर ऑलरेडी ऑनगोइंग व्हिच वी आर ऑलरेडी कंडक्टिंग, सो अगेन एनीथिंग न्यू वी विल कंडक्ट विल अगेन टेक योर परमिशन और आवर एथिक्स अप्रूवल एंड देन वी कैन कंडक्ट, बट दीस आर रूटीन थिंग व्हिच वी डू इन साइंस। बट वो पूछ रहे कब तक ये आम आदमी के लिए अवेलेबल हो जाएगा। ये ऑलरेडी फॉरेन में ये कंटिन्यू होती है, ये ऑलरेडी फॉरेन में अलाउड है वहां पे। यस यस यस, इंडिया में कब तक हो जाएगी अलाउड? But hopefully like a company like this will give us more flexibility. Matlab academia mein then we go through a lot of you know boundaries. This is why we thought a startup, a company rahegi, Potomica International Private Limited, where things can be done much faster pace. Aur isme collaboration abhi jo hai international Germany se hamara develop hua, tamam scientists yahan pe hain Japan se, Australia se. So unke through jo hai cheeze much faster ki ja sakti hain. So maybe jo kam 10 years hona tha, maybe we will try to achieve in 2-3 years. Wow, all the best. Thank you. Wish you all the best. Aap ek saal mein kar do. Thank you. Thank you. Aap jaise is initiative pe judi hui hain, you know. अगर ऐसे और भी कई एक्टर्स आ गए जो इसको लोगों तक पहुंचाए एक्चुअल में, बिकॉज़ यू योरसेल्फ यू आर अ सर्वाइवर, यू नो हाउ इट फील्स, यू नो व्हेन शी इज अ फाइटर आल्सो। नहीं क्या हुआ जैसे आज जब जितने भी डॉक्टर्स ने जो स्पीच दी, आपने भी बहुत कमाल की स्पीच दी आपने, जब डॉक्टर्स अब बात करते हैं, क्योंकि एक बार आपको खुद कोई डिजीज हो जाती है तो आप गूगल पे तो आप सब अवेलेबल है, तो मैं आधी डॉक्टर हो चुकी हूँ, तो उनकी जो लेक्चर्स हैं वो मुझे समझ में आते हैं, जितने भी ड्रग्स के बारे में बात करते हैं, प्रोटीन के बारे में जो अभी वो बात कर रहे थे, आपके लिए प्रोटीन का मतलब कुछ और होता है, प्रोटीन शेक या दाल में जो प्रोटीन है, डॉक्टर्स प्रोटीन का मतलब होता है आपकी अंदर की जो ईंट है जिससे आप बने हुए हो, करेक्ट, वही होता है ना डॉक्टर? हाँ, तो वो ईंट कितनी मजबूत है, उसमें किस चीज की कमी है, उसमें पानी डालना है, सीमेंट डालना है, उसको कैसे मजबूत करना है, तो वो सब रिसर्च कर रहे हैं वो, और वो पहले ही बता देंगे कि आपका ये घर गिरने वाला है तो आप अपनी ईंटें मजबूत करो, कैसे करो वो बता देंगे, तो ये रिसर्च बहुत इम्पोर्टेंट है। करेक्टिंग पब्लिक के देना और रिकॉर्ड भी नहीं है।